नमस्कार। YouTube चैनल मॉडर्न किचन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं घर के स्टाइल छोले और चावल। मैंने ऊपर कुकर गर्म रख दिया है, जिसके लिए अब मैं घी डालूँ, ऑयल डालूँगी, सॉरी। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब डालेंगे इसमें जीरा। जीरा चटकने लग गया, अब इसमें डालेंगे हम चॉप किए हुए अनियन। प्याज हमारे पक चुके हैं, अब इसके हम डालेंगे टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को प्यूरी किया हुआ। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे। टमाटर हमारे पक चुके और ऑयल छोड़ दिया, अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। स्वादानुसार डालेंगे इसमें नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें डालेंगे लाल मिर्च और साथ ही में डालेंगे हम इसके चना मसाला, एक चम्मच के करीब डाल देंगे। हाँ जी, एक चम्मच डाल देंगे गरम चना मसाला। और अब इसमें हम जो टमाटर की प्यूरी का जग खाली था उसमें पानी डाल के मिला देंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। अब मसालों को अच्छी तरह पकने तक हम पका लेंगे। थोड़ी सी इसमें डालेंगे हींग, अब तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मसाला जो है ऑयल नहीं छोड़ देता। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है और तेल भी बाहर निकल चुका। अब हम इसमें डालेंगे सुबह से भिगोए हुए 8 घंटे के चने। अब इन्हें मैं अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे। पांच मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। 5 मिनट के लिए हमने चनों को पका लिया। अब जिसमें चने हमने भिगोए थे वही पानी हम डाल देंगे। अब इसे लिड लगाकर 20 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मिलते हैं पकने के बाद। अब हम बनाएंगे जीरा राइस। कुकर हमारा गर्म हो चुका, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो गया, अब डालेंगे इसमें जीरा। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास चावल लिया और 1 गिलास ही पानी डालेंगे।
अब इसमें स्वादानुसार डालेंगे नमक, अब इसमें चावल डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। चने हमारे पक चुके, अब इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। साथ में डालेंगे इसमें धनिया, चने हमारे बनकर रेडी है, सर्व करते हैं।